अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अखंड भारत दोबारा बनना चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब हाँ में होगा, लेकिन हम कहें कि अखंड भारत नहीं बनना चाहिए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भारत में अखंड भारत वो शब्द है जो चाय की दुकान से लेकर के और राजनीतिक गलियारों के बीच में अक्सर चर्चा का विषय रहता है, और एक विशेष विचारधारा के लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर अखंड भारत दोबारा बन जाता है तो हमारे देश की तमाम समस्याएँ दूर हो जाएंगी और हम फिर से विश्वगुरु होंगे। लेकिन हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि अखंड भारत नहीं बनना चाहिए, और आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। उससे पहले इंडियन पॉपुलर कोड को आप हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहे। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत, अखंड भारत में वो तमाम हिस्से आते हैं जो भारत का कभी हिस्सा रहे थे, जिनमें हम 1947 में अलग हुए पाकिस्तान या उससे बाद में अलग हुए 1971 में बांग्लादेश को भी जोड़ते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, नेपाल, भूटान, और हमारे यहाँ महाभारत में जिक्र आता है गांधारी का, यानी कि कांधार का इलाका जो वर्तमान में अफगानिस्तान में, तो वो सब हमारे यहाँ अखंड भारत का हिस्सा माना जाता है। और मालदीव और श्रीलंका का भी जिक्र अखंड भारत के हिस्से के तौर पर होता है। अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो अखंड भारत बन जाता है। अब बात करते कि अखंड भारत ये बन जाता है तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहली बात फ़ायदों की, अगर ये अखंड भारत बन जाते हैं तो हाँ, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होगी, हम दुनिया की 21% आबादी के मालिक होंगे, और उसके अलावा हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश का क्षेत्रफल होगा। हालांकि अभी हम 7वें नंबर पर हैं, लेकिन अखंड भारत बनने पर हम दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होंगे। लेकिन यहीं से इसके नुकसान भी शुरू होते हैं। अखंड भारत जब बनेगा तो जब ये सारे देश मिल जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ जगह का हमारा जो पायदान है वो 2 अंक बढ़ेगा, यानी हम 7वें से 5वें स्थान पर आएंगे, लेकिन हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। तो इसी के साथ हमारे पास बेरोज़गारों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तकरीबन 10 करोड़ बेरोज़गार सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे, और वो भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा बोझ होंगे। इतना ही नहीं, हमारे पास तत्काल उनको देने के लिए कोई रोज़गार भी नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने जो साथी देश हैं उनके साथ तरक्की करके काफ़ी आगे आ चुका है, लेकिन बाकी देश जो हैं वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। इसीलिए अगर आप चाहें तो पाकिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें और श्रीलंका को देख लें, वहाँ अभी भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। तो जब अखंड भारत बन जाएगा तो ये मूलभूत सुविधाएँ भी हमें वहाँ पहुँचानी होंगी, तो हमें रोड पहुँचानी होगी, हमें सड़क, बिजली, पानी सब पहुँचाना होगा। अभी हम वैसे ही, हमारे यहाँ सड़कें बनना अभी शुरू हुई हैं, गांव-गांव में सब जगह अभी सड़कें पहुँची भी नहीं हैं, कुछ सुदूर इलाकों में तो नहीं पहुँची हैं। बिजली भी हमने अभी लगभग सारे गांव में पहुँचाई है, तो हमें 70 साल लग गए बिजली को पहुँचाने में सारे गांव तक। और जब हमारे पास ये सारे देश आएंगे तो हमें तालिबान से लेकर के अफगान और पाकिस्तान के बहुत दुर्गम इलाकों में बिजली पहुँचानी होगी, और भी बहुत सारी समस्याएँ हमारे साथ आएंगी। बात बेरोज़गारी की हो रही हो तो 10 करोड़ बेरोज़गार जब हमारे पास शामिल होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी कौशल की बहुत कमी है, स्किल डेवलपमेंट की, और इस समय हम दुनिया की सबसे बड़ी बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हैं। लगभग हम 43 साल बाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, और जब ये 10 करोड़ लोग इकट्ठे शामिल हो जाएंगे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। फिर उनका स्किल डेवलपमेंट भी हमें करना होगा, जो एक बड़ा बोझ होगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारा निवेश करना होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान के संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, रिजर्वेशन में जाति के आधार पर भी रिजर्वेशन है, और अभी सरकार ने हाल फिलहाल में आर्थिक आधार पर भी रिजर्वेशन देने की शुरुआत की है। तो जब ये सारे लोग और सारी दुनिया के लोग, जो बाकी देशों के लोग हमारे में शामिल होंगे अखंड भारत में, तो उनको हम रिजर्वेशन कैसे देंगे, उनको हम अपने समाज में कैसे शामिल करेंगे? और इतना ही नहीं, एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी हमारे साथ जुड़ेगी। जब हम अखंड भारत की बात करते तो सिर्फ नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होती, जो अब हिंदू राष्ट्र नहीं भी रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम राष्ट्रों की बात होती है, और उनकी आबादी भारत की आबादी हो जाएगी। अखंड भारत में उनको शामिल करेंगे तो क्या उनको धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, या सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएंगी? क्योंकि अभी हमारी मुस्लिम आबादी तकरीबन 14% है, जो इन सब के शामिल होने के बाद लगभग 30% के बराबर हो जाएगी, तो उनको हम कैसे शामिल करेंगे ये भी देखना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम अखंड भारत की बात करते तो हमारे ऊपर एक बड़ी समस्या आतंकवाद की भी होगी। अभी हिंदुस्तान में जो आतंकवाद की समस्या है वो लगभग बाहरी है, लेकिन
जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इन सारे देशों को हम मिला लेंगे तो हमारी आतंकवाद की समस्या खुद की हो जाएगी, उसमें तालिबान, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद जैसे जो भी और संगठन हैं उन सब की समस्या आएगी। वहीं श्रीलंका का भी जो अलग से प्रॉब्लम है, लिट्टे का जो अभी भी संघर्ष वहाँ चलता है वो हमारे सर आ जाएगा, बांग्लादेश में जो अतिवाद की समस्या है, नेपाल में जो समस्या है वो सारी हमारे मत आएगी। इसके अलावा हमारा जो बॉर्डर है वो चीन से एकदम डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अभी नेपाल और भूटान को हम बफर जोन की तरह रखते हैं लेकिन वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ जाएगा और हमारा चीन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन बढ़ सकता है, तो वो सारी समस्याएं जुड़ जाएंगी। हाँ, एक फ़ायदा ये हो सकता है कि ईरान तक हमारी पहुँच हो जाएगी तो हमारा जो तेल का इम्पोर्ट है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में हमें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमें दुनिया की सबसे बड़ी सेना को भी रखना होगा क्योंकि हमारा बॉर्डर बढ़ जाएगा तो हमें बहुत बड़ी सेना रखना होगा, और इन सब नए इलाकों के जुड़ने से हमें कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि हमें उससे कुछ मिलेगा नहीं। तो भारत की जो वर्तमान जनता है उसके टैक्स के पैसे से ही इन सब क्षेत्रों में और इन सब इलाकों में विकास किया जाएगा और वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा जिसका बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और हमारे बजट पर पड़ेगा। तो हम अगर इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो आज के समय में अखंड भारत एक अच्छा विचार नहीं है। ये उस समय 2000 साल पहले एक अच्छा विचार हो सकता है जब महाजनपद की व्यवस्था थी या चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, तो उस समय ये एक अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन आज ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। वैसे भी 1990 के दशक के एक बड़े मशहूर सिंगर कह गए हैं कि ये साल दूसरा था और वो साल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है।